खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और दिन की बड़ी खबरों का बुलेटिन। पंचनामा लेकर हाजिर हैं हम पांच एंकर। आज दिन की सबसे बड़ी खबर रही पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की। कल उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ, पूछताछ में क्या क्या हुआ, सब बताएंगे आपको। बिल्कुल श्रेया, और इसके साथ ही पीएम मोदी आज से तीन देशों की यात्रा पर हैं, जल्द फ्रांस पहुंचेंगे। क्यों ये दौरा देश के लिए अहम है, ये भी आगे बताएंगे। और पंचनामा में आपको ये भी दिखाएंगे कि आज राज ठाकरे से ईडी ने पूछताछ की है, क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। पी चिदम्बरम। तो बुलेटिन की शुरुआत भी पी चिदम्बरम की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको पी चिदम्बरम को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो बता दें, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पी चिदम्बरम पर विदेशी निवेश मंजूरी के और भी केस मजबूत हो गए हैं। इसके अलावा सीबीआई पेमेंट ट्रेल की भी पूरी जांच कर रही है। सीधे ओम प्रकाश तिवारी का रुख करते हैं जो इस वक्त सीबीआई दफ्तर से हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, यानी शिकंजा और कड़ा हो सकता है पी चिदम्बरम पर। बिल्कुल अनुराग, मैं आपको बता दूं कि जो पूछताछ जो अभी तक जांच की है सीबीआई ने, उसमें सीबीआई सूत्रों का साफ तौर पर तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उसमें कि चिदम्बरम के जो बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम, उनके पास कई शेल कंपनियों के जरिए कई और एफआईपीबी अप्रूवल में पैसा आया है जिसकी जांच की जा रही है। इसके बारे में कई लेट्रोगेटरी विदेशों में भेजी गई हैं जिनका जवाब आना बाकी है। यानी कि साफ तौर पर पी चिदम्बरम पर कसता हुआ शिकंजा है। इन दो एफआईपीबी अप्रूवल के अलावा कुछ और एफआईपीबी अप्रूवल भी हैं, सीबीआई सूत्रों ने साफ तौर पर कहा है कि जिनकी जांच की जा रही है, और ऐसे सबूत मिले हैं कि कार्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों में उन कंपनियों से सेल कंपनियों के जरिए पैसा भेजा गया था। यानी कि चिदम्बरम पर कुछ और मामलों की तलवार लटक सकती है। सीबीआई सूत्रों ने यह भी साफ किया कि जब जून 6 2018 को पी चिदम्बरम को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उस समय पी चिदम्बरम जो है वो एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दाखिल कर चुके थे, लिहाजा वो बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहे थे सवालों का। और एक सबसे महत्वपूर्ण सीबीआई सूत्रों ने खुलासा किया है कि कल शाम से लेकर सुबह तक, आज दोपहर तक चिदम्बरम से पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने पूछताछ में कोई सहयोग नहीं किया, लिहाजा उनका कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत जरूरी था। अनुराग, बिल्कुल ओम प्रकाश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो अखिलेश, शिकंजा कस सकता है पी चिदम्बरम पर। बिल्कुल, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और इस बीच कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है जरा अपडेट लेते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको अंकित गुप्ता के पास, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है, फैसले में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अखिलेश, अमूमन जो है जब भी कोर्ट की कार्रवाई होती है तो जो भी दोनों पक्षों की दलील होती है उसको कोर्ट अपने आदेश में समराइज करती है, और यहां पर करीबन डेढ़ घंटे तक बहस चली थी। पहले तुषार मेहता ने जो अपनी बात रखी, उसके बाद में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने, और एक बार फिर से तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। तो करीबन जो डेढ़ घंटे तक बहस चली है, अदालत अपने आदेश में बाकायदा उसमें से जो मुख्य आधार होंगे उनका जिक्र करेगी और उसके आधार पर एक निष्कर्ष पे पहुंचेगी, और जो भी ये निष्कर्ष पे पहुंचती है वो बाकायदा पूरा होता है, यानी कि उसके बाद में साइन किया जाता है और उसके बाद में अदालत अपना आदेश सुनाती है। क्योंकि डेढ़ घंटे की बहस हुई है लिहाजा उसी में वक्त लग रहा है, टाइप हो गया जैसी जानकारी मिली है, और उम्मीद की जा रही है अगले कुछ मिनटों के अंदर शायद अदालत अपना फैसला सुनाए, जिससे साफ होगा कि खबर पर आप नजर बनाकर रखें। तो किसी भी वक्त बड़ा फैसला कोर्ट से अदालत से आ सकता है, कुछ मिनटों का और इंतजार कीजिए। और एबीपी न्यूज इस पर नजर बनाए रखा हुआ है, चिदम्बरम पर जो भी फैसला होगा वो सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर हम दिखाएंगे। खबर चिदम्बरम से ही जुड़ी हुई है। कल रात में भारी नाटक के बाद चिदम्बरम की उनके जोरबाग वाले घर से गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी में कैसे कटी चिदम्बरम की रात और सीबीआई ने उनसे क्या क्या सवाल पूछे, अब आप ये देखिए। गिरफ्तार होने के बाद चिदम्बरम की पूरी रात कल सीबीआई दफ्तर में कटी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने लगभग डेढ़ घंटे तक पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चिदम्बरम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। आईओ ने रात में कहा कि हवालात चलिए, चिदम्बरम ने कहा कि अकेले नहीं रह सकता, आईओ के कमरे में ही रात गुजारी। सीबीआई ने चिदम्बरम को सुबह की चाय दी, रात में चिदम्बरम ने तीन बार उठकर पानी पिया। सीबीआई पी चिदम्बरम से पूछताछ कर रही है, लेकिन सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने शुरुआत में पूछताछ में चिदम्बरम से जो सवाल किए वो देखिए। आईएनएक्स कंपनी से आपसे किसने संपर्क किया था? पीटर इंद्राणी मुखर्जी को कैसे जानते हैं? आईएनएक्स को कितने का विदेशी निवेश अप्रूव किया? क्या पैसों के लेन देन को लेकर कोई बात हुई थी? आपने इंद्राणी पीटर मुखर्जी को अपने बेटे से मिलने को कहा था? क्या आपने बेटे की कंपनी का ख्याल रखने को कहा था? आपके कितने बैंक खाते हैं और कहां कहां हैं?
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भले ही सीबीआई कस्टडी में हैं, लेकिन उनके और सीबीआई अधिकारियों के बीच रस्सा कसी अभी भी जारी है। एक तरफ जहां पी चिदम्बरम जांच अधिकारियों को कानून का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जांच अधिकारी उन्हें बता रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके संवैधानिक अधिकार निलंबित हो चुके हैं। एक तरफ पी चिदम्बरम की कोशिश है कि मामले को ज्यादा से ज्यादा लटकाया जाए, वहीं सीबीआई की कोशिश है कि कस्टडी के दौरान इतने सबूत एकत्र कर लिए जाएं जो पी चिदम्बरम के गले की हड्डी बन जाएं। तो ऐसे कटी चिदम्बरम की रात। कल रात जब पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम सामने आए और उन्होंने एक बयान दिया। साथ ही ये भी बताते हैं कि कार्ति चिदम्बरम पर भी क्या क्या आरोप लगे हैं। श्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तार करने का ना सबूत है ना आधार, केवल एक ऐसी महिला का बयान है जो खुद इस मामले में दोषी है और जो आज जेल की सलाखों के पीछे कई सालों से है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पुत्री का कत्ल किया है। और अप्रूवर बनने की स्टेटमेंट भी जब वो जेल में बंद थी तो वहीं से दी गई है। एक ऐसे व्यक्ति के बयान के आधार पर एक 40 वर्ष से देश की सेवा कर रहे नेता को गिरफ्तार करने का क्या औचित्य है, इसका आंकलन देश स्वयं करेगा। अब समझिए इंद्राणी का इस पूरे केस में क्या रोल है। इस मामले में अहम मोड़ तब आया जब इंद्राणी मुखर्जी, जिनको पहले जांच एजेंसी ने आरोपी बनाया था, ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी लगा दी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और इंद्राणी इस मामले में सरकारी गवाह बन गयी। इंद्राणी मुखर्जी ने ईडी को बताया, आईएनएक्स मीडिया की अर्जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के पास थी। मैं अपने पति पीटर मुखर्जी और कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ पूर्व वित्त मंत्री के दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक में जाकर उनसे मिली। पीटर ने चिदम्बरम के साथ बातचीत शुरू की और कहा कि आईएनएक्स मीडिया की अर्जी एफडीआई के लिए है। पीटर ने अर्जी की कॉपी भी चिदम्बरम को सौंपी। चिदम्बरम ने पीटर से कहा कि एफआईपीबी की मंजूरी के बदले हम लोगों को उनके बेटे कार्ति के बिजनेस में मदद करनी होगी। इंद्राणी के इस बयान की तस्दीक पीटर मुखर्जी ने भी की है। चिदम्बरम ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया को जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी, लेकिन उन्हें चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को बिजनेस में मदद करनी होगी। और चिदम्बरम को लेकर सीबीआई कोर्ट का जो फैसला आना है, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे अंकित का रुख करते हैं। अंकित, क्या खबर है? अनुराग, अभी तक जो है अभी तक पी चिदम्बरम कोर्ट में सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे, लेकिन अब वो कोर्ट में कटघरे में खड़े हो गए हैं, आरोपी वाले में। और जैसी जानकारी मिल रही है, जज अब अगले कुछ मिनटों के अंदर कभी भी आएंगे और सुनाएंगे अपना आदेश, जिसमें ये साफ होगा कि सीबीआई को कितने दिन की रिमांड मिल रही है या नहीं मिल रही है, और जज के आदेश से ही साफ होगा। और संभवतः और जानकारी सामने आ रही है, जज बैठ गए हैं, जज अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं, अगले कुछ सेकेंड्स के अंदर ही वो आदेश साफ आएगा, साफ हो जाएगा, जिससे कि पता चलेगा कि सीबीआई ने जो 5 दिन की रिमांड मांगी है वो उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो कितने दिनों की, 5 दिनों की या कम दिनों की। तो जज अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं। चिदम्बरम जज के राइट हैंड साइड पर जो कटघरे होते हैं, जहां पर अमूमन या तो गवाह खड़े होते हैं या आरोपी, तो वहां पर चिदम्बरम खड़े हुए हैं और अब जज अपना आदेश पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 मिनट के अंदर ही वो जानकारी सामने आ जाएगी कि इनको यानी कि जो सीबीआई ने रिमांड की, 5 दिनों की रिमांड की मांग की है, जिसके लिए काफी सारे तथ्य रखे थे, जिसका विरोध किया था सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने, खुद चिदम्बरम ने भी जो कोर्ट में अपना जो है एक तरीके से पक्ष रखा था, ये कहते हुए कि उनसे कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, तो वो जो 1.5 घंटे की कवायद चली थी, अब उसका नतीजा सामने आने वाला है। अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जज अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं, ऑर्डर पढ़ा जा रहा है, अगले 1 मिनट के अंदर ही वो 6 अगस्त तक की रिमांड दे दी गई है। इस वक्त के लिए ब्रेकिंग खबर यह है कि 26 तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है पी चिदम्बरम को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 26 अगस्त तक की रिमांड। जी हां, 26 अगस्त तक की रिमांड पी चिदम्बरम की दी है। आप इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं। चिदम्बरम पर फैसला आ चुका है सीबीआई कोर्ट का। अब से कुछ देर पहले जज आए, पी चिदम्बरम बैठे हुए थे कोर्ट रूम में, वहां से उठकर के वो कटघरे में आए और 26 अगस्त तक की रिमांड में गए हैं पी चिदम्बरम। साफ तौर पर असहयोगात्मक रवैये का आरोप सीबीआई का था। सीबीआई ने कोर्ट में ये पुख्ता दलील रखी थी कि कल रात जब से चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया है, तब से लेकर कोर्ट में पेश होने तक
उन्होंने कतई सहयोग नहीं किया, लिहाजा इनकी 5 दिन की रिमांड दी जाए। 26 अगस्त तक अब रिमांड में रहेंगे पी चिदंबरम। अंकित जी बिल्कुल, 4 दिनों की सीबीआई रिमांड भेजी गई है क्योंकि सीबीआई ने मांग की थी 5 दिनों की, लेकिन इस हिसाब से अगर हम जो है आज 22 तारीख है और इस हिसाब से देखते हैं तो 26 अगस्त को पेश करना है तो 4 दिनों की रिमांड बनती है। लेकिन आदेश देखना होगा क्योंकि कभी कभी जो है अदालत वो दिन भी काउंट करती है जिस दिन पेश किया जाता है। तो ये तो साफ हो गया है कि 26 अगस्त तक की सीबीआई रिमांड में भेजा गया है पी चिदम्बरम को। इस दौरान जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोशिश यही की थी कि रिमांड का विरोध किया था, यहां तक कि कहा था कि जिस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया है इनको छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को सुना जरूर है लेकिन माना नहीं है। और इस सबके बीच में जो सीबीआई की दलील थी, सीबीआई का यह कहना था कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, किस तरीके के सवाल पूछने हैं यह जांच एजेंसी के ऊपर निर्भर करता है और चिदंबरम से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन वो जवाब गोलमोल करके दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से अदालत ने सीबीआई की इस दलील को माना है और इसी वजह से पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा है और सीबीआई की हिरासत में चिदंबरम को अब जो है 26 अगस्त तक रहना होगा। 26 अगस्त को एक बार फिर से पेश किया जाएगा और उस दौरान उनका मेडिकल करवा के अदालत में पेश करना होगा। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि पी चिदंबरम के जो वकील थे उनका कहना था कि सीबीआई की मांग को नहीं माना जाए क्योंकि पी चिदंबरम को बिना गिरफ्तार किए हुए भी या बाहर रहते हुए भी उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई का कहना था कि पी चिदंबरम से जब तक कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं की जाएगी वो एक दबाव में नहीं होंगे कि वो जांच एजेंसी के पास में है तब तक वो जवाब नहीं देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, सीबीआई का ये कहना था ये पता लगाना है कि जो पैसे की लेन देन हुई है वो कहां कहां गई है और वो तभी हो सकता है जब सीबीआई के पास में चिदंबरम होंगे, यानी कि बिल्कुल अंकित आपके पास आते हैं, दर्शकों को बताते हैं बड़ी खबर ये है कि 26 अगस्त तक रिमांड में भेज दिए गए हैं पी चिदंबरम, यानी सीबीआई ने जो कहा था कि 5 दिन की रिमांड हमें चाहिए 4 दिन की रिमांड मिली है। आज 22 तारीख है, इस लिहाज से 26 तारीख को अगर हम जोड़कर देखें तो 4 दिन की रिमांड में पी चिदंबरम रहेंगे सीबीआई के पास और इस दौरान उनसे पूछताछ होगी। अंकित सीधा सा मतलब यह निकाला जाए कि जो सीबीआई के वहां पर वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनकी बातों में अदालत को दम नजर आ रहा है, इसीलिए रिमांड पर भेज दिया गया। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं। सबके बीच में पहले एक अपडेट देना चाहूंगा कि परिवार और वकील को हर रोज आधा घंटा मुलाकात करने का मौका दिया जाएगा क्योंकि परिवार और वकील का ये कहना होता है अक्सर कि उनको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती दबाव डाल करके कुछ भी बुलवा रही हो जांच एजेंसी, इस वजह से मुलाकात की मांग करते हैं और अदालत ने उस मांग को माना है। रोजाना आधा घंटे का वक्त मिलेगा परिवार और वकील को कि वो पी चिदंबरम से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन पी चिदंबरम के लिए एक बड़ा झटका कहा जाएगा क्योंकि उनके समर्थन में कांग्रेस के पार्टी के जो बड़े नेता थे वो भी सामने आए थे और जो पार्टी से जुड़े हुए ही जो नामी गिरामी वकील, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, यहां पर विवेक तनखा मौजूद थे, उसके अलावा एक दयान कृष्णन जो वकील है, वरिष्ठ वकील है, वो भी यहां मौजूद थे। चार चार वरिष्ठ वकीलों का पैनल यहां पर मौजूद था और जो आर्ग्यू किया था कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बताने की कोशिश की थी। अब हरीश रावत यहां से निकले हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से जो भी लोग यहां से निकल रहे हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करें। हरीश रावत इस दौरान जो है कोर्ट रूम में अभी जो है पहुंचे थे और हम कोशिश करते हैं कि हरीश रावत से बात करने की कोशिश करें, हालांकि वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त का जो माहौल है, जो भी कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे या ये कहा जाए कि जो इस वक्त जो वकील थे वो अब एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। हरीश रावत ने कुछ किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है लेकिन अब जो है वो वकील भी आएंगे सामने जो पी चिदंबरम की तरफ से पेश हो रहे थे, उनमें से हो सकता है कि संभवतः कोई वकील सामने आकर के बयान देगा। और इसके साथ ही में चलिए अंकित आप बात करने की कोशिश कीजिएगा और वकील जब आएंगे तो वकीलों की भी हम बात सुनेंगे कि कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ। लेकिन हमारे संवाददाता मनोज वर्मा लगातार कोर्ट रूम में मौजूद रहे, पल पल का अपडेट उनके पास है। मनोज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, फैसला सुनाते हुए जज ने क्या कहा? जी बिल्कुल, देखिए फैसला सुनाते हुए जज ने यही कहा कि उनको जो है 26 अगस्त तक रिमांड पर दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आधा घंटा रोज परिवार को दिया जाएगा चिदंबरम से मिलने के लिए। इसके अलावा उनका जब उनको पेश किया जाएगा 26 अगस्त को तो मेडिकल चेकअप के बाद उनको पेश किया जाएगा। इतना ही फैसला जज साहब ने सुनाया और उसके बाद फिर जो चिदंबरम थे और जो सीबीआई की टीम थी उनको लेकर कोर्ट से बाहर की तरफ निकल गई। आप कोर्ट रूम में मौजूद थे मनोज, जिस वक्त फैसला सुनाया गया चिदंबरम के किस तरीके के एक्सप्रेशन थे? वहां पर कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे होंगे, अभिषेक मनु सिंह भी वहां पर होंगे।
जी बिल्कुल, देखिए सभी लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जो उनके बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम वो भी कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे। और क्योंकि डेढ़ घंटे का वक्त था तो पहले चिदम्बरम बैठ नहीं रहे थे, वो कटघरे में लगातार खड़े हुए थे, लेकिन डेढ़ घंटे का समय ज्यादा था तो इसलिए वो बैठ गए थे। जज के आने से पहले चिदम्बरम खड़े हुए वापस कटघरे में गए, तो पहले जब शुरू में वो कोर्ट के अंदर दाखिल हुए थे थोड़ा मुस्कुराते हुए दाखिल हुए थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर शिकन कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि वो उदास हो गए हैं इस फैसले के बाद। जी, और ये उदासी इस बात की भी थी अखिलेश कि उनके काबिल दोस्त कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी उन्हें रिमांड में जाने से बचा नहीं पाए, उन्हें पूरी उम्मीद थी। खुद चिदंबरम भी एक आला वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई तरकीब काम नहीं आई। बिल्कुल, तमाम भी आप जैसा कह रहे हैं वहां वकीलों की फौज थी, विवेक तनखा भी थे, इसके बावजूद ये तमाम तरकीबें काम नहीं आई हैं और अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पी चिदंबरम की साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, उन्हें रिमांड में भेज दिया गया 26 अगस्त तक के लिए। मनोज, जरा यह बताइए क्या अब सोमवार को पेशी होगी पी चिदंबरम की? मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अंकित, क्या सोमवार को अब एक बार फिर से पेशी होगी पी चिदंबरम की? जी बिल्कुल, 26 तारीख यानी सोमवार को पेशी होगी पी चिदंबरम की, और उस दौरान जो है उससे पहले जब उनको यहाँ पेश किया जाएगा तो उससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन अब ये जो सोमवार तक के जो है यानी कि शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार 26 तारीख जब होगी तो ये जो चार दिन है सीबीआई के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चार दिनों के दौरान सीबीआई काफी सारे जो है जो सवाल थे जिनका सीबीआई कह रही थी कि पी चिदंबरम जवाब नहीं दे रहे हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। क्योंकि अगर जो है जब सीबीआई इस मामले में अगली सुनवाई यानी कि 26 अगस्त को पी चिदंबरम को लेकर के अदालत आती है और उसको बताना होगा अदालत को कि उसने पिछले चार दिनों के दौरान यानी कि जब से जो कस्टडी मिली थी तब से लेकर अब तक क्या किया है, और ऐसे में अगर सीबीआई दोबारा रिमांड की एप्लीकेशन मूव भी करती है तो उनको पहले कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना होगा, संतुष्ट करना होगा कि चार दिनों के दौरान उनको कुछ ऐसा मिला है जिसके आधार पर वो आगे रिमांड की मांग करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये चार दिन पी चिदंबरम के लिए मुश्किलों भरे और सीबीआई एक उम्मीद कर रही होगी कि अब उन सवालों का जवाब मिल सकेगा जो पिछले 14 महीनों के दौरान नहीं मिल पाया था। जी, तो सीधे सीबीआई दफ्तर का हम रुख करेंगे जहां से ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश, 120 घंटे अब सीबीआई के पास, जो पूछना है चिदंबरम से पूछिए, लेकिन इस बीच 30 मिनट का समय परिवार और उनके वकील को भी मिलेगा पी चिदंबरम के, जो वो उनसे बात कर सके, मिल सके और ये देख सके कि सीबीआई कहीं टॉर्चर तो नहीं कर रही, उन पर दबाव तो नहीं बना रही जवाब देने के लिए। बिल्कुल अनुराग, सीबीआई के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि सीबीआई अभी तक ये कहती रही थी कि पी चिदंबरम सवालों के जवाब नहीं दे रहे, लेकिन अब कोर्ट ने कस्टडी में भेज दिया है 26 तारीख तक, और 26 तारीख तक अब पी चिदंबरम से लगातार पूछताछ की जा सकती है। मैं आपको बता दूं अनुराग, सीबीआई सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक पी चिदंबरम से तीन चरणों में पूछताछ की तैयारी की गई है। पहले चरण में वो सवाल हैं जो अभी तक की जांच के दौरान गवाहों ने, आरोपियों ने और दूसरे लोगों ने दिए हैं, उनके आधार पर एक क्वेश्चन आयर बनाया गया है। जांच के दूसरे चरण, पूछताछ के दूसरे चरण में दस्तावेज दिखाकर उनसे पूछताछ की जाएगी, और अंतिम चरण में कुछ लोगों से उनका आमना सामना भी कराया जा सकता है। इन चार दिनों के दौरान सीबीआई को अपने तीनों चरण पूरे करने हैं और वो तमाम अहम पी चिदंबरम की तस्वीर हम देख सकते हैं सीबीआई कोर्ट से बाहर आते हुए, और पी चिदंबरम का वाकई जिस तरीके से मनोज बता रहे थे वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। हमने देखा कल जिस वक्त वो कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे थे वो बहुत लहराते हुए चल रहे थे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थे, बाकायदा वो गए उन्होंने सबसे रास्ता बदला है, स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है। अनुराग, देखिए चिदंबरम की जो गाड़ी है अब पीछे साइड से लेकर जाई जा रही है, जो फ्रंट गेट था गेट नंबर 2 जहां से पहले लेकर आए थे अब उस गेट से ना ले जाकर दूसरे गेट से पीछे पी चिदंबरम को ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया था, 100 से ज्यादा पुलिस कर्मी थे वो यहां पर लगाए थे, और आप देख सकते हैं जो सीबीआई की टीम है वो चार दिन की रिमांड पर पी चिदंबरम को यहां से ले गई है। कुछ स्ट्रेटेजी में बदलाव किया क्योंकि बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी और जो दूसरे लोग हैं वो राउज एवेन्यू के इसी गेट नंबर 2 पर आकर जमा हो गए थे, तो पुलिस किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। कल जिस तरीके से बिल्कुल अव्यवस्था हो गई थी, जो पी चिदंबरम के घर के बाहर पुलिस की रिजर्व पुलिस को वहां पर बुलाना पड़ा था, तो उसी को देखते हुए आज पुलिस ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। अमूमन यहां से किसी भी आरोपी को लेकर नहीं आया जाता, लेकिन इसी राउज एवेन्यू की गेट नंबर 2 से पहले पुलिस लेकर आई, और अब जब चार दिन की रिमांड ले लिए तो इसी गेट से वापस न जाकर पुलिस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, और राउज एवेन्यू का जो पीछे का गेट है यानी कि गेट नंबर
जहां पर चार है, पांच है और छह है, उनमें से गेट नंबर चार में से बाहर लेकर गई है, जिससे कि किसी तरह की कोई गलत हरकत ना हो, पी चिदम्बरम के ऊपर किसी तरह का कोई हमला ना हो। ये एक स्ट्रेटजी रहती है, क्योंकि वित्त मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, कल काफी अव्यवस्था हो गई थी, पुलिस का भी उसमें फेलियर कहा गया था कि पुलिस पहले से प्लानिंग नहीं कर पाई थी उनके घर के आसपास, तो आज उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया और अब सीबीआई हेडक्वार्टर यहाँ से लेकर जाएगी आईटीओ के पास, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पास है ये राउस एवेन्यू कोर्ट, यहाँ से अगर सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो कि लेकर जाती है सीधा हेडक्वार्टर, तो ट्रैफिक का टाइम है अंदाजा लगाया जा सकता है करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे, यानी कि 20 मिनट के अंदर यहां से सीबीआई की टीम पुलिस प्रोटेक्शन में पी चिदम्बरम को रिमांड पर लेकर लोधी कॉलोनी स्थित जो सीबीआई हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंच जाएगी और अब उन सवालों के जवाब लेगी, जिसके लिए लगातार सीबीआई कह रही थी कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, क्योंकि अब तक पी चिदम्बरम कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, अब वो कस्टोडियल इंटरोगेशन गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से उनको मिल गई है, चार दिन की रिमांड मिली है, सोमवार की दोपहर में यानी कि सोमवार दोपहर 3 से 4 बजे के आसपास इसी राउस एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर पेश किया जाएगा, चार दिन का समय है, एक पूरा क्वेश्चनेयर तैयार करा गया है सीबीआई की तरफ से, जो अप्रूवल है इंद्राणी मुखर्जी उनके भी 164 के बयान है जिसको क्रॉस किया जाएगा, उनके सामने रखा जाएगा और अब उन सवालों के जवाब जो सीबीआई है वो तलाश करेगी, जिनके लिए वो लगातार कोर्ट में बात कहती आ रही थी कि पी चिदम्बरम की उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है। जी अनुराग, बिल्कुल वरुण जैन हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं और वरुण ने यह भी बताया कि किसी अप्रिय घटना की आशंका के चलते राउस एवेन्यू जो कोर्ट है उसके एंट्री गेट से न बाहर निकाल करके उसके दूसरे गेट से चिदंबरम को बाहर निकाला गया है, क्योंकि कल भी हमने देखा था जिस वक्त कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस समर्थकों का जमावड़ा हुआ था, वहां पर उनके विरोध में भी नारे लगे और समर्थन में भी नारे लगे थे, इसके अलावा जोरबाग वाले उनके घर पर भी समर्थक पहुंचे थे और उनको हटाना एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बन गया था, लिहाजा उस तरीके की स्थिति यहां ना पैदा हो जाए राउस कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में, तो इस वजह से यहां पर भी पूरी मुस्तैदी बरती गई और बाकायदा दूसरे गेट से चिदंबरम को निकाला गया। 48 घंटे पे उनकी चेकअप होती रहेगी, मेडिकल चेकअप होगा। दूसरा चीज कोर्ट ने ये कहा है कि उनके फैमिली मेंबर्स को साथ में उनके एडवोकेट्स को मीटिंग की इजाजत होगी जो 30 मिनट के लिए मिल सकते हैं। सर, अब आप लोग 26 को जब वापस प्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वो अलग इशू है, अभी जो कोर्ट ने किया है उसके मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तीसरा जो चीज है वो ये है कि कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो है एक्यूज्ड की डिग्निटी को किसी और तरीके से हंट आप नहीं करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। वकील की हम बात सुन रहे थे और ओम प्रकाश तिवारी का हम रुख करेंगे। ओम प्रकाश तिवारी, अगर कायदे से देखा जाए तो रिमांड आज से शुरू हो गई और पूरे दिनों की बात की जाए तो कुल सीबीआई को 3 दिन मिलेंगे, यानी कल परसों का और फिर इतवार का दिन मिलेगा, क्योंकि बाकायदा 26 तारीख को सोमवार को तो मेडिकल कराकर उसे वापस राउस एवेन्यू कोर्ट में चिदम्बरम की पेशी करानी है। और साफ तौर पर जिस तरीके से वकील बता रहे थे, कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि उनकी डिग्निटी को किसी तरीके से हर्ट ना किया जाए, इसका क्या मतलब है? डिग्निटी का हर्ट ना किया जाए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनके साथ कोई मारपीट या इस तरह का कोई ऐसा व्यवहार ना किया जाए जिससे वो हर्ट हों। साफ तौर पर डिग्निटी का मतलब कोर्ट का यही होता है कि जो आरोपी है जिसको कस्टडी में दिया जा रहा है उसके साथ किसी तरह की कोई मारपीट ना की जाए, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए जिससे वो हर्ट, और यही कारण है कोर्ट ने मेडिकल कराने की बात कही है। मेडिकल, हालांकि जो आरोपी पुलिस कस्टडी में आ जाता है उसका मेडिकल लगातार कराया जाता है, हर दूसरे दिन उसका मेडिकल कराया जाता है, लेकिन चूंकि कोर्ट ने अब इस बात को कहा है कि उनकी डिग्निटी हर्ट ना हो तो उनका जब वो यहां से कोर्ट उन्हें ले जाया जाएगा सोमवार को, तो उस दिन उनका मेडिकल करा के लिया जाएगा, उस कोर्ट को बताया जाएगा कि जो मेडिकल पहले दिन था और जो मेडिकल आज है दोनों में सिमिलरिटीज हैं और इनकी कोई इनके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। अनुराग, बिल्कुल ये एक बड़ी बात है, हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप होगा लेकिन 26 तारीख को मेडिकल कराने के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा पी चिदम्बरम को सीबीआई के द्वारा। 5 दिन की रिमांड मिली है और अब तक जो सीबीआई ने कोर्ट को बताया है उसमें कल रात से लेकर की गई पूछताछ में पी चिदम्बरम ने अखिलेश किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया है। हालांकि पी चिदम्बरम के वकील जो थे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, उनका कहना था कि इसके लिए गिरफ्तारी की भी जरूरत नहीं थी, वो तो इतने सहयोगात्मक रवैया उन्होंने अपनाया कि आप जब चाहते पूछ लेते, उनसे एक बार पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया और वो आए, उसके बाद कभी उन्हें बुलाया ही नहीं गया। बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पी चिदम्बरम पर शिकंजा और ज्यादा कस चुका है।
और 5 दिन की सीबीआई रिमांड में वो रहेंगे। इस दौरान सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। हर रोज घर वालों को और वकील को करीब आधे घंटे का वक्त मिलेगा जब उनसे वो मिल पाएंगे, बात कर सकेंगे। लेकिन चिदंबरम को इस दौरान सहयोग करना पड़ेगा, जो उनसे पूछताछ की जाएगी उसमें तमाम जानकारियां देनी होंगी। ओम प्रकाश तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी, जो इस खबर पर वो लगातार नजर बनाकर रखे हुए हैं। ओम प्रकाश, महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है, इससे पहले अगर हम इतिहास के झरोखे में झांक कर देखें तो शायद ही ऐसा कोई मौका आया हो कि इतनी बड़ी शख्सियत पर इस तरह से शिकंजा कसा गया हो, जो शख्स देश का गृह मंत्री रहा हो, वित्त मंत्री रहा हो, इस तरीके से सीबीआई की रिमांड में भेज दिया गया। बिल्कुल, ये अपने आप में संभवतः पहली बार हुआ है कि जब देश के गृहमंत्री और वित्त मंत्री रहे शख्स को भ्रष्टाचार के आरोप में और अपने पद के दुरुपयोग के आरोप में सीबीआई कस्टडी में भेजा गया हो। जो शख्स कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इंचार्ज रहा हो, जो शख्स जिसने खुद पीएमएलए ड्राफ्ट किया हो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ड्राफ्ट किया हो, और उस शख्स के ऊपर उसी धारा को अप्लाई कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि पीएमएलए के तहत भी पी चिदम्बरम के ऊपर मुकदमा दर्ज है, और ये पीएमएलए का जो एक्ट है इसे खुद पी चिदम्बरम ने एज वित्त मंत्री रहते हुए पास किया था, और तब उनका मानना था कि इस एक्ट में कोई ऐसी छूट नहीं दी जानी चाहिए जिससे आरोपी को उसका सीधा फायदा मिल सके। और अब वही एक्ट पी चिदम्बरम पर लागू हो गया है। तो ऐसा कभी कभी होता है जब इतनी बड़ी शख्सियत जो खुद कानून बनाए, जो खुद सीबीआई के इमारत के उद्घाटन में शामिल हो और उसे खुद वहां पर आरोपी या ये कह दीजिए कि गिरफ्तार होकर वहां की हवालात में रहना पड़े। अखिलेश, बिल्कुल। और इसके अलावा जो हमने शुरुआत में एक बड़ी खबर बताई थी कि विदेशी निवेश की मंजूरी के और भी केस पी चिदम्बरम पर मजबूत हुए हैं, तो क्या इस रिमांड में उससे मुतालिक भी सवाल पूछे जाएंगे या सिर्फ आईएनएक्स मीडिया मामले में ही इन 5 दिनों में उनसे सवाल जवाब होंगे? ओपी, देखिए, इस मामले में अब जो जांच है वो हर तरफ चलेगी, जांच की कड़ियां जोड़ी जाएंगी और एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ेगी, तभी पी चिदम्बरम उसमें फंसेंगे। चलिए प्रकाश, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।